नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई संदीप खसा सर पे। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन क्लास के साथ आपके साथ हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे सही होंगे और स्वस्थ होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो आज की क्लास रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन से हम अनेक फैक्ट पढ़ेंगे। आप देखना पूरी क्लास, उसके बाद में कमेंट करके बता देना सर आपने जो फैक्ट बताए हैं वो सही है और जो पीछे एग्जाम हुए उनमें से पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन से कितने फैक्ट पढ़ेंगे वो आप अपने नोट्स में लिख के फिर बता देना सर आपने एक क्वेश्चन से कितने नोट फैक्ट बताए हैं और फैक्ट उससे रिलेटिव पढ़ेंगे जो हमें आसानी से याद हो जाते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, स्वतंत्रता के समय क्वेश्चन पूछा गया। स्वतंत्रता के समय हरियाणा यानी हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था, किस प्रांत का हिस्सा था। देखो क्वेश्चन आसान है, सभी बच्चों को पता है भाई किस का हिस्सा था उस समय स्वतंत्रता के समय, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ उस समय किसका हिस्सा था, तो ये पंजाब का हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, यहां से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, इससे फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पंजाब में क्यों मिला गया, कब मिला गया, अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, मराठों का अधिकार कब हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में हरियाणा कब मिलाया गया, इस चीज को हमें पढ़ना पड़ेगा तब हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतना पढ़ने से नहीं होगा। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा वीडियो देख लेते हैं सही बन रही है या नहीं बन रही। तो स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था, पंजाब का। इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे क्या, काफी पीछे चलना पड़ेगा, लगभग 2 सदी। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले पढ़ते हैं 1756-57 में हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था, मराठों का अधिकार हो गया था। मराठों का अधिकार किसके ऊपर हो गया था, हरियाणा के ऊपर। मराठों का अधिकार किसके ऊपर हो गया था, हरियाणा के ऊपर। कब, 1756-57 में, जब हरियाणा का अधिकार हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार हुआ था, मराठों का। और मराठों ने क्या किया, 1803 की एक संधि होती है 1803 में, सुरजी अंजन गांव की संधि, सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, इस संधि के अकॉर्डिंग क्या किया था, मराठों ने जो हरियाणा था ना इसे किसे सौंप दिया था, अंग्रेजों को सौंप दिया था। और किस किस के बीच में संधि हुई थी, तो ये संधि हुई थी दौलत राम सिंधिया। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा भाई संधि किस किस के बीच में, दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई थी, 1803 में 30 दिसंबर 1803 को संधि होती है दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। तो मराठे क्या करते हैं, हरियाणा को किसे सौंप देते हैं, अंग्रेजों को सौंप देते हैं। और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार आ जाए तो कब हुआ था, 1810 में क्या हुआ था, हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था पूर्ण रूप से, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था भाई, पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और अंग्रेजों ने क्या किया था, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, ओडल, इन पे खुद का अधिकार कर लिया था। और बाकी जो क्षेत्र था वो किसे सौंप दिया था, अपने सहयोगी जो राजा थे, जो छोटे छोटे रियासत के राजा थे उन्हें सौंप दिया था। फिर 1819 के अंदर क्या होता है, नीचे लिख देता हूं, 1819 में अंग्रेज क्या करते हैं, जो ये क्षेत्र था ना हरियाणा को, इसके 3 भागों में बांट देते हैं, और 3 भाग कौन कौन से थे, उत्तरी क्षेत्र, फिर केंद्रीय क्षेत्र और फिर आ जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। यानी 3 भागों में हरियाणा को कब बांट देते, 1819 के अंदर अंग्रेज बांट देते हैं, सबसे पहला रहेगा उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। और उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ गए थे, पानीपत, सोनीपत, इसार, ठीक है, उसके बाद रोहतक और आसी। ये किस में आ गए थे, ये उत्तरी क्षेत्र में आ गए थे। और मध्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र आ जाना तो उसमें कौन सा हिस्सा था, दिल्ली का था। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, ओडल और नू, ये क्षेत्र किस में आ गए थे, ये दक्षिणी क्षेत्र में आ गए थे। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, 1803 में जो हरियाणा था इसके 3 भागों में बांट दिया था, कौन सा, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और कौन सा था, मध्य क्षेत्र। कब बांटा था, 1803 के अंदर। ठीक है, जो गुरुग्राम, रेवाड़ी, नू, अथीन, पलवल ये आ जाए तो ये दक्षिण क्षेत्र में रहेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे चलते, पहले थोड़ा सा और आगे पढ़ते फिर रिपीट करूंगा। ठीक है, 1833 में अंग्रेज क्या करते हैं, 1833 में उत्तर पश्चिमी भाग बनाते हैं, उत्तर पश्चिमी भाग हरियाणा का।
उत्तर पश्चिम भाग बनाते हैं, जिस वर्तमान में बात करें ना तो ये उत्तर पश्चिम भाग कौन सा रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा भाई, यूपी उत्तर प्रदेश। और इसका जो मुख्यालय था ना, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, आगरा के अंदर। यानी 1833 में जब हरियाणा को उत्तर पश्चिम भाग में मिलाया गया ना, उस समय मुख्यालय कौन सा था, तो आगरा था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है भाई, आगरा का जो मुख्यालय कब बनाया गया 1833 में, और किस क्षेत्र में हरियाणा को मिलाया गया था, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलाया गया था, ठीक है। और 1833 में अंग्रेज क्या करते हैं, इस क्षेत्र के 6 मंडल बनाते हैं भी, और हरियाणा में वर्तमान में भी कितने मंडल है, 6 मंडल, तो आपको याद रह सकते हैं 6 मंडल बनाए गए थे। और अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था डिवीजन, कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि नगर निगम और मंडल में लगभग बच्चे उसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो 6 मंडल बनाए गए थे यानी डिवीजन 6 किए गए थे, और इनमें से एक मंडल कौन सा था, तो एक मंडल दिल्ली था भाई, एक मंडल कौन सा था, दिल्ली। और दिल्ली में उस समय कितने जिले थे, 5 जिले थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई, जब दिल्ली को मंडल बनाया गया 1833 के अंदर, तब दिल्ली में कितने जिले थे, 5 जिले थे। 5 जिले कौन कौन से थे लिख देता हूं, दिल्ली, हिसार, पानीपत, रोहतक और गुरुग्राम, ये 5 जिले किसमें थे, ये दिल्ली मंडल में आते थे। कब बनाए थे, गए थे 1833 के अंदर। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या था हमारा, स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था, ये सबको पता है पंजाब का, लेकिन पंजाब में क्यों मिला गया, कब मिला गया, पंजाब से कब अलग हुआ, इसे फैक्ट पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1756 में हरियाणा पे किसका अधिकार होता है, मराठों का अधिकार होता है। 1803 की संधि के अनुसार सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुरजी अंजन गांव कहां पे रहेगा, किस राज्य के अंदर है, तो ये महाराष्ट्र में रहेगा भी, महाराष्ट्र में रहेगा, ठीक है। दौलतराम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है, और अंग्रेजों का अधिकार किस पे हो जाता है, हरियाणा पे हो जाता है। दौलतराम सिंधिया हरियाणा को किसको सौंप देता है, अंग्रेजों को सौंप देता है। 1810 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और अंग्रेज यानी जो पानीपत, सोनीपत और इसे गुरुग्राम, रेवाड़ी, इस पे अपना अधिकार कर लेते हैं, बाकी जो क्षेत्र होता है वो अपने सहयोगी राज्यों को सौंप देते हैं। और 1819 के अंदर क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं, उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में कौन से थे, पानीपत, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रांची। मध्य क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आया था, दिल्ली आया था। दक्षिण में गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, अथीन, ओडल, ये किसमें थे, दक्षिणी क्षेत्र में। फिर 1833 में क्या होता है, हरियाणा को उत्तर पश्चिम भाग का हिस्सा बना दिया जाता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश रहेगा, और उसका मुख्यालय कहा था, आगरा था। और 1833 में 6 मंडल बनाए जाते हैं, जिसमें से एक मंडल कौन सा था, दिल्ली था। और दिल्ली में कितने जिले थे, 5 जिले थे, दिल्ली, हिसार, पानीपत, रोहतक और गुरुग्राम, ये थे। अब चलते हैं 1857 की क्रांति में, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था, ठीक है, सही बन रही है वीडियो। तो 1833 की तरफ चलते हैं, 1833 से 1857 की क्रांति की तरफ क्वेश्चन से कितने फैक्ट हैं आप कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारी जीके और भी स्ट्रॉन्ग होगी, और आने वाले एग्जाम में हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और अच्छे से अच्छे एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कहां शुरू हुई थी, अंबाला में शुरू हुई थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद फरवरी 1858 को अंग्रेज क्या करते हैं, हरियाणा को किस में मिला देते हैं, यानी हरियाणा का विलय किस में कर देते हैं, पंजाब में कर देते हैं। पंजाब में क्यों करते हैं, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी ना, इसका जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था, और बहादुर शाह जफर क्या था, एक मुगल शासक था। तो जो पंजाब के लोग थे ना, उनके जो गुरु थे ना, उनकी जो यानी जो उनके गुरुओं ने जो शहीदी दी थी ना, एक तरीके से बात करें ना, तो उसकी जो हत्या की गई थी, उनको जो मारा गया था ना, वो किन्होंने मारा था, मुगल शासकों ने मारा था। तो जो इनके गुरुओं ने जो शहीदी दी थी ना, तो इसलिए जो पंजाब के लोग थे वो मुगलों के विरुद्ध थे, और अंग्रेजों ने इस चीज़ का फायदा उठाया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ इनको भड़का दिया। तो जो पंजाब के जो शासक थे ना, यानी जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने किसे का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, और इसी का इनाम इन्हें मिला। 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया, ठीक है। जो सिख गुरु थे वो शहीद हुए थे, और उनका बदला लेने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, किन्हें दिया था, पंजाब के लोगों ने। और हरियाणा को किसमें मिलाया, पंजाब में, कब, फरवरी 1858 के अंदर मिला दिया जाता है। और फिर बात करें 1892-93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट
रिपोर्ट के जो संपादक थे उन्होंने ये बात लिखित रूप में कही थी, पंजाब और हरियाणा को संयोगवश एक कर दिया गया है, लेकिन इनकी भाषा अलग रहेगी, इनका कल्चर अलग रहेगा, ठीक है। और इनकी पंजाब और हरियाणा की हर बातों में विभिन्नता रहेगी, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पहली बार ये कहा था भी पंजाब और लोगों के भाषा और कल्चर में विभिन्नता है, इनकी हर बात में विभिन्नता है। किस रिपोर्ट में? पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट का जो संपादक था इसने ये बात कही थी। उसके बाद में बात करें ना तो हरियाणा की राज्य की अलग मांग किसने उठाई थी? सबसे पहले मांग उठाई थी 1925 में पीरज़ादा मोहम्मद ने, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है दिल्ली के अंदर उसमें सबसे पहले 1925 में पीरज़ादा मोहम्मद उसने ने इसकी मांग उठाई थी। फिर 1932 में 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने ये मांग उठाई थी भी हरियाणा को अलग कर दिया जाए। लेकिन इसका विरोध किया था, किसने किया था? तो जनसंघ ने, जनसंघ पार्टी, हिंदू महासभा और आर्य समाज इन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 1932 के अंदर दीनबंधु गुप्त की बात का विरोध किसने किया था? तो जनसंघ पार्टी, हिंदू महासभा और आर्य समाज ने इसका विरोध किया था। फिर पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग 1948 के अंदर सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में 1948 मास्टर ताराचंद ने उठाई थी। और उनका एक पत्र आता था, क्या नाम था उसका? अजीत पत्र में इन्होंने ये कहा था भी पंजाब को अलग राज्य बना जाए, यानी पंजाब का जो क्षेत्र है उसको अलग राज्य बनाने की मांग किसी ने उठाई थी? मास्टर ताराचंद ने 1948 में स्वतंत्रता के बाद। फिर बाद में बात करूँ तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा क्या अलग बना दिया जाता है? किससे? पंजाब से। और पंजाब का 35.18% हिस्सा किसे दिया जाता है? हरियाणा को दिया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 1857 क्रांति हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी? अंबाला से शुरू हुई थी। फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया जाता है। और 1892-93 पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में कहा जाता भी हरियाणा के और पंजाब के लोगों में विभिन्नताएं हैं, ठीक है। और 1948 में मास्टर ताराचंद मांग उठाते हैं, 1925 में पीरज़ादा मोहम्मद हुसैन मांग उठाते हैं, 1932 में दीनबंधु गुप्त मांग उठाते हैं, जिनका विरोध कौन करते हैं? जनसंघ पार्टी, हिंदू महासभा और आर्य समाज। अब चलते हैं 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? हरियाणा अलग राज्य बन गया था। 18वां संविधान संशोधन के अनुसार हरियाणा देश का 17वां राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा बना था देश का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 18वां संविधान संशोधन था भी। संविधान संशोधन कौन सा था? 18वां संविधान संशोधन था। और कुल क्षेत्र की बात करें ना तो हरियाणा को पंजाब का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट मिला था? तो 35.18% हरियाणा को किसका मिला था? तो पंजाब का क्षेत्र मिला था हरियाणा को। और बात कर लीजिए घग्गर और यमुना नदी के बीच का, हिस्सा किसे मिला था? यमुना नदी के बीच का हिस्सा किसे मिला था? तो ये मिला था हरियाणा को मिला था। और कितना क्षेत्रफल था टोटल? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसे मिला था? हरियाणा को मिला था। और कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। किस संविधान संशोधन के अनुसार? 18वां संविधान संशोधन रहेगा, ठीक है। और कितना ऐसा मिला? 35.18% गग्गर और यमुना नदी के बीच का। और हरियाणा का गठन हुआ उस समय आपसे पूछ लिया जाए तो कितने जिले थे? 7 जिले थे भी, ठीक है। और हरियाणा की राजधानी किसे बनाया गया था उस समय? तो चंडीगढ़ को बनाया गया था, ठीक है। इस तरीके से फैक्ट पढ़ते रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आपको कैसे लगते हैं क्वेश्चन आप पूरी वीडियो देखना, फिर कमेंट करके बता देना भाई सर आपने जो फैक्ट बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन होने वाला है, इससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार क्लास पूरी देखना और फिर बताना सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? हरियाणा तिलक साप्ताहिक
पत्रिका के संपादक कौन है? अभी संपादक कौन है ये क्वेश्चन पूछा गया है, आसान है बिल्कुल, लेकिन इसे फैक्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन को और ज्यादा और आसान करेंगे। तो हरियाणा संपादक जो हरियाणा तिलक पत्रिका, इसका संपादक कौन रहेंगे? सभी को पता है, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा। इनका संबंध आ जाए तो कहां से रहेगा? तो इनका संबंध रहेगा झज्जर से रहेगा भी। और इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका लिखी थी और उनकी रचना कौन सी थी? तो हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा नवरत्न, नवरत्न ये किसकी पत्रिका रहेगी? ये रहेगी पंडित श्री राम शर्मा की। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न, ये किसकी पत्रिका रहेगी? ये पंडित श्री राम शर्मा की रहेगी। आपसे पूछ रही है पंडित नेकी राम शर्मा की पत्रिका कौन सी थी? पंडित नेकी राम शर्मा की ऑप्शन में है ये, तो पंडित नेकी राम शर्मा की पत्रिका कौन सी थी? संदेश। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1930 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? पंडित नेकी राम शर्मा की। और चौधरी छोटू राम की आ जाए तो, चौधरी छोटू राम की तो कौन सी पत्रिका थी? जाट गजट, जाट गजट। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1916 के अंदर प्रकाशित हुई थी जाट गजट। आपसे पूछा जाता है अभी जाट गजट किसकी थी? चौधरी छोटू राम की। चौधरी छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो गड्डी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। और इन्हें क्या कहा जाता? किसानों का मसीहा, बाखड़ा बांध का जन्मदाता किसी का जाता चौधरी छोटू राम का। पंडित नेकी राम शर्मा को क्या कहा जाता? हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकी राम शर्मा को कहा जाता है। इनकी पत्रिका कौन सी रहेगी? उनकी संदेश रहेगी। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो केलंगा गांव भिवानी से रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए जाट गजट तो किसकी है? चौधरी छोटू राम की। अगर जाट समाचार पत्र आ जाए, जाट समाचार पत्र, ये किसका रहेगा? बाबू कन्हैया लाल का, बाबू कन्हैया लाल का, ठीक है। जाट समाचार पत्र किसका रहेगा? बाबू कन्हैया लाल का। और जाट गजट किसका रहेगा? पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित चौधरी छोटू राम का। पंडित नेकीराम शर्मा कौन सा रहेगा? तो संदेश। और हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित श्री राम शर्मा की कौन सी रहेगी? हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न। ये पत्रिका आने वाले एग्जाम में और पूछी जा सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेसर थी तो दूसरी राजधानी कौन सी थी? राजा हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा हर्षवर्धन से, इस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बच्चों को हर बार कहता हूँ भाई ये टॉपिक है ना, अपना अच्छी तरह से रिविजन कर लो। और क्या रहेगा? राजा हर्षवर्धन की, राजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर। तो दूसरी राजधानी कौन सी है ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरी राजधानी कौन सी है ये क्वेश्चन पूछा गया। अब लेटेस्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बच्चे पजल हुए थे और सभी बच्चों को क्वेश्चन आ रहा था लेकिन आता हुआ गलत हो गया था। तो इसकी दूसरी राजधानी बता देता हूं, पहले दूसरी राजधानी इसकी कौन सी थी? कन्नौज। अब लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, प्रभाकर वर्धन के समय वर्धन वंश या पुष्य बत्ते वंश की राजधानी कौन सी थी? तो उसमें थानेसर और कन्नौज दोनों ऑप्शन में थे। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि दोनों राजधानी किसने बनाया था? हर्षवर्धन ने बनाया था, ना कि प्रभाकरवर्धन ने। प्रभाकरवर्धन के समय पूछा गया था भाई पुष्य बत्ते वंश की राजधानी कौन सी थी? तो थानेसर थी। और ऑप्शन में दोनों थे, बच्चे पजल हो गए, एग्जाम देते या तो सर उसमें दोनों ऑप्शन थे, कौन सा जाएगा? अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, प्रभाकरवर्धन के समय पूछे गए ना कि राजा हर्षवर्धन के समय। राजा हर्षवर्धन दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था लेकिन प्रभाकरवर्धन ने कौन किसे बनाया था? थानेसर को राजधानी बनाया था। और प्रभाकरवर्धन इसका बात करें किस वंश थे ये दोनों? तो पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम आ जाए तो क्या रहेगा? जय के एग्जाम में पूछा गया था वर्धन वंश। क्या रहेगा? वर्धन वंश दूसरा नाम रहेगा, ठीक है। पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या रहेगा? वर्धन वंश, ठीक है। पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर। दूसरी राजधानी कौन सी रहेगी? कन्नौज, ठीक है। और बात करें ना तो इनके हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और एक चीनी यात्री इनके शासनकाल में आता है हवेन सवांग। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हवेन सवांग, ठीक है। बाणभट्ट की रचना कौन सी रहेगी? तो हरिश्चरित और कादंबरी।
ठीक है। और अमेनसवां की कौन सी पुस्तक थी? तो सी यू की, सी यू की। और राजा हर्षवर्धन खुद भी एक क्या थे, एक कवि थे। इनकी कौन सी थी? प्रियदर्शिका, नागानंद। ये किसकी थी? ये हर्षवर्धन की रचना थी, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, रत्नावली भी इनकी थी, रत्नावली। ठीक है, यानी राजा हर्षवर्धन के समय पहली राजधानी थानेसर थी, दूसरी कौन सी थी? तो कन्नौज थी। पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या रहेगा? वर्धन वंश। प्रभाकर वर्धन के समय राजधानी आ जाए तो कौन सी रहेगी? थानेसर रहेगी। ठीक है, बाण भट्ट की रचना कौन सी थी? हरिचरित, कादंबरी, अवेनसवां की, सीयू की, हर्षवर्धन की, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। और इनके समय में, हर्षवर्धन के समय में ही चालुक्य वंश के राजा के साथ एक युद्ध होता है। पहले मैं साफ कर देता हूँ, फिर उसके युद्ध के बारे में जानकारी देता हूँ। चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे, चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, इसके साथ में युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे। किसी ने पूछा गया था नर्मदा नदी के किनारे, और इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? तो इसका एक अभिलेख है, ए ओल अभिलेख, ए ओल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और किसके साथ युद्ध हुआ था? तो चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय के साथ में युद्ध होता है, और 634-35 में यह युद्ध होता है। ठीक है, इसकी जानकारी एओल अभिलेख से मिलती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था? तो चालुक्य वंश से था। कन्नौज को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाए थे। कौन से दरबारी कवि थे? बाण भट्ट और अवेनसवांग इनके दरबारी कवि थे। ये खुद भी एक कवि थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर के अंदर जो जो मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था? तो पुष्यभूति ने किया था। और पुनर्निर्माण आ जाए तो सदाशिवराव भाव ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? संगीत के सात स्वरों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यानी संगीत के सात स्वर है ना, उनका वर्णन उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है हरियाणा के अंदर? ये क्वेश्चन पूछा गया है। संगीत के सात स्वर, संगीत के सात स्वर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा है। सब बच्चों को पता है, जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन फैक्ट पढ़ना जरूरी है। तो किस अभिलेख में मिलता है ये मैं लिख देता हूं, अग्रवा। अग्रवा में जो अभिलेख मिला ना, उसमें ये मिलता है। फैक्ट की बात करें तो यहां से फैक्ट कौन से रहेंगे? अग्रवा राजा, किस राजा की राजधानी थी अग्रवा? महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? तो अग्रवा थी, महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रवा थी। ठीक है, और अग्रवा से क्या मिला है? भगवान सूर्यदेव की मूर्ति, भगवान सूर्यदेव की मूर्ति कहां से मिली है? अग्रवा से मिली है। और क्या मिला यहां से? टक्सालें, टक्सालें कहां से मिली है? अग्रवा से मिली है। और किस नेशनल हाईवे के ऊपर रहेगा अग्रवा? तो NH9 के ऊपर। प्राचीन नाम आ जाने NH का क्या रहेगा? तो इसका पुराना नाम रहेगा 10, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? NH। और किस जिले में आता है अग्रवा? तो हिसार में आएगा भाई, हिसार में आता है। कौन सा? अग्रवा। अग्रवा से क्या मिला है? भगवान सूर्यदेव की मूर्ति, संगीत के साथ स्वर के साक्ष्य, और टक्साली कहाँ से मिली है? अग्रवा से मिली है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा डायरेक्ट, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे टक्साली और कहाँ से मिली है? टक्साली बरवाला से मिली है भाई, बरवाला, बरवाला भी कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन कौन सा? इसमें ऑप्शन रहेगा पिंजौर अभिलेख, लिख देता हूँ पहले पिंजौर, पिंजौर अभिलेख और पेवा अभिलेख, ये ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, पिंजौर अभिलेख की बात करें तो पिंजौर अभिलेख किसे मिले थे? पिंजौर में तीन अभिलेख मिले थे, और किसे मिले थे? अलेक्जेंडर कनिंगम को, कनिंगम को तीन अभिलेख मिले थे। आपसे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, अरे जो भारत का पुरातत्व विभाग है ना, उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या कहा जाता है? भारतीय, इधर लिख देता हूं, भारतीय पुरातत्व विभाग का, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता, विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। इन्हें तीन अभिलेख मिले थे, और उसमें से एक अभिलेख के ऊपर क्या लिखा गया था? पिंजौर का जो प्राचीन नाम था वो पंचपुरम था,
पंच पूरम था, ये अभिलेख किसे मिले थे? अलेक्जेंडर कनिंगम को मिले थे। अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता। और पेवा अभिलेख की बात करें ना तो पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। और पेवा अभिलेख में राजा महेंद्रपाल का अभिलेख मिला, राजा महेंद्रपाल का। और इस अभिलेख में क्या कहा गया, किसकी जानकारी मिलती है? मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है, मंदिरों के निर्माण की जानकारी। और पेवा से क्या मिला है? राजा भोज का अभिलेख, राजा भोज का अभिलेख, नौवीं शताब्दी का। ये 905 ईसा पूर्व का अभिलेख मिला राजा महेंद्रपाल का। और राजा भोज का जो अभिलेख मिला ना, इसमें इसकी जानकारी मिलती है, यहां प्राचीन समय में क्या होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़ों का व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पेवा था। पेवा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? राजा भोज का अभिलेख है। और इससे हमें जानकारी मिलती है भाई यहाँ पे क्या होता था? घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है। राजा महेंद्रपाल का जो 905 ईसा पूर्व का अभिलेख मिला है वो भी कहाँ से मिला है? पेवा से मिला है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अग्रवाची संगीत के साथ स्वर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्रवा से मिले हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पांडु पिंडारा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका संबंध पांडवों से है, किस जिले में? यानी पांडु पिंडारा के बारे में पूछा गया। पांडु पिंडारा किस जिले के अंदर रहेगा? पांडु पिंडारा पांडुपिंडारा किस जिले के अंदर है? तो ये रहेगा जींद के अंदर रहेगा। पांडुपिंडारा जिसका संबंध पांडवों से है तो ये किस जिले के अंदर? तीर्थस्थल ये रहेगा जींद के अंदर, क्योंकि कहा जाता है, इससे फैक्ट बता दूं सीधा आपको, फैक्ट क्या रहेंगे इससे? पांडवों ने क्या किया था? 12 वर्ष तक, कहते हैं 12 वर्ष तक यहां पर क्या किया था? अमावस, सोमवती अमावस की प्रतीक्षा की थी, सोमवती अमावस। इन्हें एक वरदान था, अगर इनके समय में 12 वर्षों में अगर यहाँ पे सोमवती अमावस आ जाती है ना तो पांडव क्या रहेंगे? अमर रहेंगे। लेकिन इनके समय में नहीं आए, तो फिर उन्होंने इन्हें श्राप दिया था सोमवती अमावस को, भाई हमारे जाने के बाद में आप क्या करेंगे? आप साल में 2 या 3 बार आएंगे लेकिन आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि सोमवती अमावस का 12 वर्षों तक किसने इंतजार किया था? पांडवों ने इंतजार किया था। कहाँ पे? पांडव पिंडारा के अंदर। और अब महाभारत के युद्ध के बाद अपने पूर्वजों का जो पिंड दान किया था ना, पिंडदान वो कहाँ किया था? पांडव पिंडारा के अंदर ही किया था। किसने किया था? पांडवों ने किया था, ठीक है। और हरियाणा का अर्धवार किसे कहा जाता है? हरियाणा का अर्धवार भी किसे कहा जाता है? पांडव पिंडारा को। हरियाणा का अर्धवार किसे कहा जाता है? पांडव पिंडारा को कहा जाता है। अगर आज से पांडु तीर्थ पूछ लेगा ना, पांडु तीर्थ ये कहां रहेगा? ये भिवानी के अंदर रहेगा। अभी पंचवटी मंदिर जो पांडुओं से संबंधित है ये कहाँ रहेगा? ये पलवल में रहेगा। अज्ञातवास के समय में यहाँ पे जो पांडव थे वो रुके थे। पांडु तीर्थ कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर रहेगा। अगर पांडु पिंडारा जो है वो जींद के अंदर रहेगा। और आपसे पूछा पुंडरिक तीर्थ, पुंडरिक तीर्थ ये कहाँ रहेगा? ये कैथल के अंदर रहेगा। इनमें एक मान्यता है भाई, सतयुग से आज तक इसमें जल की समाप्ति नहीं हुई, यानी जल खत्म नहीं हुआ। पुंडरिक तीर्थ में कारेगा कैथल में, पांडु तीर्थ आ जाए तो वो कारेगा भिवानी। पंचवटी मंदिर कारेगा पलवल के अंदर। हरियाणा का हरिद्वार किसे कहा जाता है? पांडु पिंडारा को कहा जाता है, ठीक है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट 4 या 5 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आने वाले एग्जाम में यहाँ से और रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए हैं। क्लास कैसी लगी आज? तो 25 या 30 मिनट की करीबन ये क्लास बन गई है, लेकिन नेक्स्ट क्लास 1 घंटे की रहेगी। आप मेरे को ये बता देना, आप कमेंट करके, भाई सर क्लास बहुत अच्छी थी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत बेहतरीन क्लास रहेंगे, और इसी तरह फैक्ट पढ़ते रहेंगे, आने वाले एग्जाम में अच्छा होगा। उम्मीद करूँगा अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, अपने परिवार के साथ रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब जल्द ही मिलने वाली है। तो भगवान से दुआ भी करूँगा भाई आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बता देना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।